फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम लोग कर चुके थे। क्या होता है फ्रिक्शन? एक फोर्स होता है जो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस टू मोशन व्हेन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब दो सरफेसेस आपके पास मूव करते हैं और वो आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तब आपके पास कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। सभी जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनके पास कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है उनके ऊपर। एंड इट ऑलवेज अपोजेस मोशन। ये मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। सपोज मैं आपको बताया था कि यदि हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट अस कंसिडर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? काम करता है। इट ऑलवेज अपोजेस मोशन। मोशन को क्या करता है? ये अपोज करता है, रोकता है, विरोध करता है। ठीक है, अब बात आती है काजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या हो सकते हैं? अब पहला तो था हमारे पास रफनेस। रफनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। कोई सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा हम उसके मोशन को उतनी ही जल्दी रोक पाएंगे। ठीक है, तो सरफेस के डायरेक्टली, रफनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जितना ज्यादा हमारे पास सरफेस रफ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसको रोकना, मोशन को रोकना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, सेकंड था मेरे पास मॉलिक्यूलर एडहेशन। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको बोल देते हैं एडहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन। तो उसके कारण भी क्या होता है मेरे पास? फ्रिक्शन फोर्स वो क्रिएट होता है, काज है उसका, ये कारण है। कौन सा? फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ एडहेशन में मैंने आपको बताया था कब लगता है हमारे पास फोर्स ऑफ एडहेशन? जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एडहेशन। दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हमारे पास जो अट्रैक्शन जो फोर्स है उसको कह देते हैं एडहेशन। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था एडहेसिव फोर्स का, जैसे फेविकोइल, फेविकोइल होता है और आपके पास फेविक्विक जो भी होता है वो कैसे आपके पास अट्रैक्ट करता है, चिपक कैसे जाता है नोटबुक के या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट के आप उसको अप्लाई कर रही हो। क्योंकि जो आपके पास जो फेविकोल है, एक तो वो हो गया और सेकंड हमारी नोटबुक हो गई, तो इन दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है। दोनों में कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स के कारण क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं और जो फेविकोल होता है हमारे पास, उन दोनों में क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है। एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, उसके ऊपर मेंशन किया होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स बच्चों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, और कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, सेकंड बात आती है मेरे पास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। एक तो भारी चीज को आप लोग रोकोगे और एक क्या करोगे, एक हल्की चीज को क्या करोगे आप लोग, उसको स्टॉप करोगे, उसकी मोशन को, मींस फ्रिक्शन को आप लोग कंट्रोल करोगे या फिर मीजर कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो क्या होगा? जितना ज्यादा हमारे पास मास होगा किसी भी चीज का उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, वी नो दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग और अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ टू सरफेसेस। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन कैसे काज होता है, दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उससे भी कॉज हो सकता है हमारे पास। ठीक है, एंड इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर और एन ऑब्जेक्ट पुट्स मोर वेट। हम एक तो हल्की चीज है हमारे पास, हार्डर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक हमारे पास लाइट, उसमें जो मोशन होगा उसको जल्दी क्या कर पाएंगे हम लोग? स्टॉप कर पाएंगे। इट मींस वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा।
ठीक है, इंटरलॉकिंग विल इंक्रीज एंड सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, रोल प्ले करेगा वहां पे, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, कंक्लूजन ये है यहाँ पे हमारा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो मास के डायरेक्टली डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस विद मास, ठीक है, एंड ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम, फ्रिक्शनल फोर्स है वो मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आती है मेरे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की टाइप्स क्या क्या होती है मेरे पास, ठीक है, फ्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं हम लोग, एक तो कोई चीज है रोल करके, कोई रोल करके कोई चीज जा रही है, एक कोई चीज हमारे पास रेस्ट पे है तो उसके मोशन को स्टॉप करना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग अब करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों आपके पास, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है, जो स्टैटिक जो वर्ड है आपके पास उसका क्या मतलब होता है, रेस्ट मतलब होता है, स्टैटिक मींस रेस्ट, ठीक है। द वो फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय टू सरफेसेस व्हेन दे आर फोकस्ड टू मूव फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट, जब क्या करते हैं हमारे पास रेस्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है वो आपके पास रेस्ट पे रखा है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो फोर्स होगा वो उसका क्या नाम है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इट इज द अपोजिट ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो बता दिया, फोर्स क्या होता है, अपोजिट ही काम करता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब वो फोर्स जब हम कब अप्लाई करें, व्हेन दे आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट, जब रेस्ट पे कोई आपके पास, देखो इस एक्टिविटी में देखिए, देखो ये आपके पास कोई रेस्ट पे रखा है, कोई भी ये बॉक्स है, लेट अस कंसीडर दिस इज द बॉक्स व्हिच इज प्लेस्ड एट रेस्ट पोजीशन, जो रेस्ट पोजीशन के ऊपर ये आपके पास ये बॉक्स रखा गया है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई पर्सन है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको मूव कर रहा है, ठीक है, मींस यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है ये, ठीक है, व्हेन फोर्स टू मूव फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पे है और इसकी पोजीशन को क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है वहां पर जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से पता चलता है स्लाइड करना या फिर मूव करना, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है हमारे पास, कब काम करेगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर दो सरफेसेस आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय टू सरफेसेस ऑफ मूविंग और स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विद अपोजिट देयर मोशन, इट इज अपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हमारे पास जो स्पीड है, हमारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड के अपोजिट काम करता है। जैसे आप लोगों ने झूला देख रखा होगा, स्लाइड वाला जो झूला होता है, ठीक है, पार्क्स वगैरह में, स्कूल्स में जो स्लाइड वाला झूला होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल लगा लीजिए आप लोग। जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा, थोड़ा सा रफ हो जाएगा मेरे पास तो फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या फिर कह सकते हो कि रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। वो सरफेस कैसा है हमारे पास, स्लाइडिंग टाइप का है, ठीक है,
और आप उस पे क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, एक तो आप हो गए और एक वो झूला हो गया, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्टेक्ट में आ गए। और कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा, हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो वहां पर रोल प्ले करेगा, ठीक है। और ये कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज अपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो हम मूव कर रहे हैं हमारी स्पीड के क्या है, फ्रिक्शन जो हम मूव कर रहे हैं हमारी स्पीड को क्या करना चाहेगा, ये मेंटेन रखना चाहेगा। वैसे फ्रिक्शन अपोजिट होता है हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, एक्टिविटी की हेल्प से आपको देखिए, एक्टिविटी नंबर 12.6 है, देखो इस एक्टिविटी में है, ट्राई टू पुश ए हैवी बॉक्स एंड ए मेंटल नोट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय यू। आप क्या कीजिए, एक हैवी बॉक्स है उसको पुश करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मींस उसको धक्का देने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। जैसे ये आपके पास हैवी बॉक्स है, इसको क्या कीजिए, पुश करने की कोशिश कीजिए, एंड मेक ए मेंटल नोट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय यू। और आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है। पहले ये यहाँ पर था, मान लीजिए इसके लेग्स के पास, मान लीजिए ये बॉक्स इसके लेग्स के पास था, अब इसने फोर्स लगा के क्या कर दिया, इसकी पोजीशन को यहाँ तक चेंज कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चेंज कर दिया। इट मींस जो इसने फोर्स लगाया है ना रेस्ट से लेकर के, इसने जो फोर्स लगाया है इसको मूव करने के लिए, वो फोर्स आप नोट कर लीजिए। कंटिन्यू टू पुश इट, और इस जो आपके पास ये प्रोसेस है इसको क्या कीजिए, कंटिन्यू रखिए, लगातार इसको पुश कीजिए, धक्का दीजिए, ठीक है, सो दैट इट रिमेन्स इन मोशन। और ये क्या हो जाए हमारे पास, ये ताकि ये लगातार मोशन में रहे, गति में रहे। नाउ अगेन मेक ए मेंटल नोट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय यू टू कीप इट मूविंग। दोबारा से क्या कीजिए, आप लोग जो फोर्स आपने लगाया है उसको क्या कीजिए, फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इट इज इजियर टू मेंटेन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉक्स देन टू मूव इट फ्रॉम पोजिशन ऑफ रेस्ट। ये ऐसे बोल रहा है इसमें कि आपको जब आपके पास बॉक्स मूव कर रहा है तब आप जो फोर्स लगा रहे हो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, वो क्या होगा, हमारे लिए इजी होगा। एक तो कोई चीज चल रही है उसके ऊपर हम पुश करें, और एक कोई चीज रेस्ट पे है उसको हम पुश करें मोशन में लाने के लिए, ठीक है। तो हमें कहाँ वेट, कहाँ ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो चीज रेस्ट में है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो चीज मूव कर रही है आपके पास उसको अलग से आपके पास उसकी स्पीड और देनी है, फिर से फोर्स लगाना है, तो वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि रेस्ट से आपके पास एकदम से मौसम में किसी भारी चीज को लेके आओगे, हैवी वेट को, तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, है ना। और कोई चीज आपके पास ऑलरेडी मोशन में है और उसको आप फिर से फोर्स लगा के उसके मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो वो हमारे लिए इजी होगा, है ना। तो क्या है हमारे पास कंक्लूजन, ये निकलता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, मींस रेस्ट से हम लोग मोशन में लाना चाहते हैं, वो हमारे लिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है।
कंक्लूजन इज मोर फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम स्टेटिक फ्रिक्शन देन टू ओवरकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी टू ओवरकम स्टेटिक फ्रिक्शन देन टू ओवरकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बच्चों वो हमारे पास स्मॉल होगा एज कंपेयर टू स्टेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड कर रहा है वो, मूव कर रहा है, उसको रोकना क्या होगा आपके लिए मुश्किल होगा. रोकना ही क्या है, फ्रिक्शन है. ठीक है, स्लाइडिंग मीन्स मूविंग, और मूव कर रही है वो चीज, उसको स्टॉप करना थोड़ा आपके लिए. स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम आएगी एंड स्टेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी. ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, सेकेंड है मेरे पास फ्रिक्शन ए नेसेसरी. यस, फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल. फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, हमारे लिए फ्रिक्शन जरूरी है. बिना फ्रिक्शन के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते. ठीक है, फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ. विदाउट फ्रिक्शन लाइफ इज इम्पॉसिबल. यदि हम मूव भी करते रहेंगे, हमें कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा लाइफ, तो उससे इम्पॉसिबल हो गई ना हमारे पास. जैसे कार है, कार के अगर ब्रेक ही नहीं होंगे बच्चों, तो ब्रेक नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है. यूं तो है नहीं कि हम मूव करते ही रहेंगे, तभी तो हमें रुकना ही पड़ेगा, स्टॉप होना ही पड़ेगा. कार के ब्रेक क्या करते हैं, कार को स्टॉप करने के काम आते हैं, वो फ्रिक्शन का ही एक पार्ट हो गया हमारे पास. ऐसे ही बाइसिकल है, उसमें जो ब्रेक हो गए, ठीक है, तो मोशन को क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं, रोकते हैं. तो बिना फ्रिक्शन के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे आप लोग बच्चों शूज पहनते हो, तो एक तो शूज आपके पास जो उसका बॉटम होता है, एक तो स्मूथ होता है बिल्कुल, और एक तो थोड़े से खुरदरे होते हैं नीचे से, जो डिजाइन बने होते हैं शूज के ऊपर. तो हम कौन से शूज लेते हैं, जो डिजाइन बने हुए होते हैं ना नीचे से, बॉटम में जो तलैटी होती है, वो हम शूज लेते हैं. क्यों लेते हैं, ताकि मोशन को, एक तो हम चलेंगे स्मूथ वाले जो शूज हैं उनकी हेल्प से, और एक थोड़े आपके पास जो डिजाइन वाले शूज हैं उनसे चलेंगे, तो क्या होगा, उनसे चलना आसान होगा जो डिजाइन वाले शूज हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारे मोशन को थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग फिसल जाएंगे, स्लीप हो जाएंगे. ठीक है, देखो इस डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको. देखो ये वाले शूज दिखाई दे रहे हैं ना, ये डिजाइन्स बने हुए हैं. हम लोग ऐसे शूज लेंगे, क्यों लेंगे ऐसे, क्योंकि ये फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे. कान में क्या लगा,
है। हेलो हाँ भाई चलते राहुल हर्ष वीडियो ऑन कर ले हेलो तो मैं यहाँ पे आपको बच्चों ये बता रही थी फिक्शन इन नेसेसरी एविल, तो उसमें मैं शूज का जो एग्जांपल बता रही थी, जिन शूज के ऊपर डिजाइंस बने हुए होते हैं उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लेन शूज। ठीक है, तो डिजाइंस बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जो टायर्स वगैरह होते हैं कार वगैरह के अंदर,
तो वो कार वगैरह के अंदर जो टायर्स हैं, उन टायर्स पे जो डिजाइन किए गए हैं वो इस टाइप से किए गए हैं ताकि फ्रिक्शन को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। ठीक है, देखो फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन एक जरूरी एविल क्या होता है, मेरे पास बुराई होती है। ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के आपके पास कोई भी काम है? नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सम एक्टिविटीज रिक्वायर मोर फ्रिक्शन व्हाइल इन अदर फ्रिक्शन इज मिनिमाइज। कुछ जो आपके पास एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन है, टकराव की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ आपके पास कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें फ्रिक्शन की हमें कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है बच्चों, जो प्लेन सरफेस है स्मूथ है तो हमें पता है वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, है ना। स्मूथ सरफेस है, लेस फ्रिक्शन, क्योंकि स्मूथ सरफेस है बच्चों तो वहां पर मूवमेंट ज्यादा होगी, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन है जो स्मूथ सरफेस है वहां पर फ्रिक्शन टकराव कम होगा क्योंकि वो तो चलता रहेगा, मूवमेंट शो करता रहेगा। और जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस है वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वहां पर टकराव ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग साइकिल चलाते हो, एक तो आपके पास अच्छा रोड है और एक जिस रोड पे कंकर वगैरह और रोड टूटा हुआ है, तो कहां पर आपके पास टकराव ज्यादा रहेगा, जो सरफेस रफ है वहां पर टकराव ज्यादा रहेगा ना, तो वहां पर इट मींस वहां पर रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है। जो सरफेस रफ रहेगा वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है क्योंकि वहां पर टकराव ज्यादा है, घर्षण ज्यादा है, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं हमारे पास अच्छे से जो रोड है और जो बाइसिकल है और स्मूथ सरफेस है, वहां पर क्या होता है हमारे पास फ्रिक्शन कम होगा, वो तो स्मूथ है, मूवमेंट अच्छे से शो करेगा, कम रुकेगा ना आपके पास, जो बाइसिकल है वो इजीली चलती रहेगी हमारे पास, तो स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन कम होता है और जो रफ सरफेस है ना उनका फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ही जो शूज वाला अभी मैं बता रही थी, जो प्लेन शूज हैं स्मूथ वाले जो सरफेस हैं जो बॉटम में, उनमें फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। और जो डिजाइन वाले हैं थोड़े से रफ है, नीचे से खुरदरे कह सकते हैं, उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो डिजाइन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए। देखो फ्रिक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दस फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू राइट टू वॉक एंड टू ओपन द लीड्स ऑफ कंटेनर। फ्रिक्शन की हेल्प से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये मेरे पास ये पेन है और ये आपके पास ये बुक है, मैं लिख रही हूँ, किसकी वजह से लिख रही हूँ, फ्रिक्शन की वजह से लिख रही हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है ना। जो हम चलते हैं वॉक करते हैं वो भी किसकी वजह से करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। ठीक है, जो हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं, चप्पल वगैरह स्लीपर्स जो भी हम लोग पहनते हैं वो इस टाइप के होते हैं ताकि उनमें क्या हो, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन को मेंटेन रखा जाए। ठीक है, इस टाइप के बनाए जाते हैं। एंड टू ओपन द लीड्स ऑफ कंटेनर, जो आपके पास कंटेनर है उनका जो ढक्कन है, लीड होता है, उसको भी आप लोग फ्रिक्शन की हेल्प से ही खोल पाते हो। यदि आपके पास स्मूथ होगा तो आप लोग उसको नहीं ओपन कर पाओगे। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा ओपन करने में। और थोड़ा सा रफ सा होगा, इट मीन मतलब थोड़ा सा वहां पर फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो कंटेनर्स हैं ओपन, उसके जो कंटेनर के जो लीड है, ढक्कन है, उसको आप इजीली ओपन कर पाते हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही ऐसा सब काम आप कर पाते हो। ठीक है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई चल रही है, कोई कार लगा लीजिए, कोई बाइसिकल लगा लीजिए, वो कब तक नहीं रुकेगी, वो नहीं रुकेगी आपके पास, कैन नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुक सकते आपके पास, क्योंकि आपके पास यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं रुकेगी, और फ्रिक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी,
दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। वी अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप द व्हीकल, ठीक है। ऑब्जर्व द ब्रेक पैड इन द व्हील्स ऑफ बाइसिकल, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं उसमें जो ब्रेक पैड होते हैं, जैसे ही हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो साइकिल के व्हील्स को क्या कर देता है, मोशन को रोक देते हैं ब्रेक्स, ठीक है। दे डू नॉट टच द व्हील व्हेन द साइकिल इज मूविंग, जब साइकिल आपके पास जब बाइसिकल आपके पास मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तो ब्रेक क्या नहीं करते, व्हील्स को टच नहीं करते, ठीक है। बट व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, जैसे ही आप लोग ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ब्रेक पैड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद टायर रिम, टायर की जो रिम है आपके पास, आपको पता है उसमें टायर की जो रिम है आपके पास, वहां पर क्या हो जाएगी, तो कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे किसके साथ, ब्रेक के साथ। जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक के साथ वो कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, टायर की जो रिम होती है वो, और क्या लगता है वहां पर, फ्रिक्शन काम करता है एंड एग्जर्ट फ्रिक्शन, और वो क्या कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा, एंड हेंस द बाइसिकल स्टॉप, ठीक है। तो सभी जो आपके पास व्हीकल्स हैं या फिर मोटर गाड़ी जो भी है, मीन्स आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, उनमें सभी में फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। बिना फ्रिक्शन के आपके पास कोई भी टायर है, ऑटोमोबाइल्स के लगा लीजिए, रोड पर चलने वाले व्हीकल्स हैं आपके पास, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उन सभी में बिना फ्रिक्शन के आप लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। देखो एक और यहाँ पे बताया गया है, एक और चीज बताई है इसमें, एक्टिविटी टाइप की है हमारे पास। Ask your father about the difficulty he faces while driving the car. अपने फादर से आप लोग ask कीजिए, पूछिए about the difficulty he faces while driving the car on a rainy day. जब हम बारिश के दौरान कार को चलाते हैं तो उसमें जो difficulty परेशानी आती है, एक तो आप लोग उसके बारे में जानिए, और एक आप लोग मड्डी जो रोड है, कीचड़ जो रोड है, मड्डी होता है बच्चों कीचड़, जो मड्डी रोड है वहां पर जो हम कार वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो किसको चलाना हमारे लिए, किसको इजी होगा चलाना, जो रेनी डे है बरसात के टाइम पे, तो इसमें बताया है इन रेनी डे यूजुअली पेट्रोल और डीजल फ्यूम लीक्ड विद द फ्रॉम द ऑटोमोबाइल फॉर्म ए लेयर ऑन बैक रोड एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ग्रेटली। हमें पता है जो पानी है वो क्या कर देता है, जब रोड के ऊपर गिरता है तो टायर्स हैं उनके फ्रिक्शन को कम कर देता है, हमें पता है। बारिश में स्लिपरी हो जाता है ना, स्लिपरी हो गया इट मीन्स कहाँ हो गया, वो स्लाइडिंग जैसा हो गया, और स्लाइडिंग हो गया या फिर लगा लीजिए हमारे पास मूविंग है, रोलिंग टाइप हो गया ना, स्लिपरी रोड में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो गया, रिड्यूस द फ्रिक्शन, जितना ज्यादा फ्रिक्शन कम होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होगा वहां पर व्हीकल्स को चलाना, गिर सकते हैं ना वहां पर हम लोग, ठीक है। तो बारिश के दौरान हम लोग क्या करने चाहिए, जो साइकिल वगैरह है या फिर हमारे पास मोटर बाइक्स वगैरह है, वो धीरे चलाना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है हमारे पास जब बारिश होती है तब, ठीक है। नेक्स्ट हम कल की क्लास में करते हैं।